हेलो, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं धान का लाई कैसे बनाते हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एकदम साफ बालू ले लेंगे और 10-15 मिनट के लिए गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। बालू गर्म हो चुका है, अब 1 चम्मच इसमें धान डाल देंगे। देखिए लाई अपने आप निकल जा रहा है और एकदम सावधानी से निकलना ताकि बालू ना निकले। मिट्टी का हंडी नहीं है तो आप लोग घर में सिल्वर का गंजी रहता है उसी में बालू देके लाई को बनाने की तरीका एकदम आसान है। सीधे प्लास्टिक टोकरी में लाई को ना डालें क्योंकि गर्म रहता है, कपड़ा बिछा के डालेंगे लाई को। नवरात्रि में आप लोग भी लाई का प्रसाद जरूर बनाएंगे। लाई को इस प्रकार सफाई करेंगे ताकि सब धान नीचे निकल जाएगा। देखिए पूरा धान नीचे निकल चुका है। पानी को अपने हिसाब में डालेंगे, अधिक लाई रहने से अधिक पानी डालेंगे और गुड़ भी अधिक डालेंगे क्योंकि मैं कम लाई है तो कम गुड़ डाल रही हूँ और गुड़ को छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। गुड़ को डालने के बाद बीच बीच में चलाते रहेंगे। कटोरी में पानी रख लेंगे और बार बार गुड़ को डाल के देखते रहेंगे। गुड़ भी पक के तैयार होने वाला है। कटोरी में पानी लेके रखेंगे और गुड़ डालेंगे। अगर गुड़ हाथ में ना चिपके तो गुड़ तैयार हो चुका है। लाई को गुड़ में डाल के निकाल रही हूँ लड्डू बनाने के लिए। लाई को अच्छी तरह से गुड़ में मिलाएंगे। लाई का लड्डू बनाते समय ठंडा पानी का उपयोग करेंगे, नहीं तो गुड़ हाथ में चिपकेगा। लाई का लड्डू, मूंग का हलवा आप लोग भी नवरात्रि में ज़रूर बनाएंगे और भोग चढ़ाएंगे। मेरे वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखेंगे और लाइक करेंगे। भर गो देव सदी मही।